नमस्कार दोस्तों दोस्तों हमारे चैनल देसी आयुर्वेदिक नुस्खे में आपका स्वागत है। दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बतलाया था कि बबूल की गोंद के क्या क्या फायदे हैं और किन किन समस्याओं में हम इसका प्रयोग घरेलू उपचार के तौर पर कर सकते हैं। मित्रों आज हम आपको वो तरीका बताने जा रहे हैं जिस तरीके से आप इस बबूल की गोंद का उपयोग कर सकते हैं। परंतु मित्रों इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक आपने नहीं किया है, साथ ही हमारे नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें जिससे कि जैसे ही हमारा नया वीडियो YouTube पर प्रसारित हो उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके आसानी से। साथ ही मित्रों यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको लाभदायक प्रतीत हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर करें। मित्रों मेरा आपसे निवेदन है कि कई बार ऐसा होता है कि जो जानकारी हमें लाभदायक नहीं लगती वह दूसरे व्यक्ति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण व लाभदायक होती, अतः आप हमारे इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि यह जानकारी अन्य लोगों तक भी आपके माध्यम से पहुँच सके और हो सकता है ये जानकारी उनके लिए महत्वपूर्ण हो। मित्रों तो आइए चलते हैं और अब बात करते हैं कि बबूल की गोंद का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। मित्रों सबसे पहले तो बबूल की गोंद को आप भूनकर खा सकते हैं। मित्रों बबूल की गोंद को पानी में डालकर भी सेवन किया जा सकता है। मित्रों दही में मिलाकर भी आप बबूल की गोंद को खा सकते हैं। दोस्तों इसे घी में भूनकर सूखे मेवे के साथ मिलाकर लड्डू बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है और आप इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों सूप व डेजर्ट मिक्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ग्रेवी बनाने के लिए भी इसे उपयोग में लाया जा सकता है। दोस्तों बबूल गोंद की उपयुक्त खुराक कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे इसका उपयोग और उपयोगकर्ता की आयु, स्वास्थ्य व अन्य स्थितियाँ। दोस्तों घाव में कितना लगाया जाए इसका अंदाजा तो आसानी से लगाया जा सकता है। इसकी उपयुक्त खुराक सीमा कितनी होनी चाहिए यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है, फिर भी आप करीब 30 ग्राम बबूल गोंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। मित्रों हमारे इस चैनल पर आपको दी गई जानकारी यदि लाभदायक महसूस हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें। धन्यवाद।